रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हो गए थे, तो जैसे ही जगन्नाथपुरी आए वैसे ही रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पास आए। राय प्रणति कैल प्रभु कैल आलिंगन, दुई जने प्रेमाभिषेक करेन क्रंदन। तो जैसे ही रामानंद राय आए, प्रणति मतलब दंडवत प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठा करके आलिंगन किया, दोनों प्रेमावेश में डूब गए और दोनों क्रंदन रोने लगे। जब इस प्रकार बाकी भक्तों ने देखा, राय संगे प्रभुर देखी स्नेह व्यवहार, सर्व भक्त गणेर मने होइले चमत्कार। सभी भक्त जो आसपास में देख रहे थे, कोई सेवक है कोई सचिव है, किसी को तो ऐसे गले लगा करके क्रंदन कभी किया नहीं, तो जैसे ही बाकी भक्तों ने देखा कि ये नया भक्त न्यू डिवोटी ज्वाइन हुआ है और इसको महाप्रभु गले लगा करके रो रहे हैं, तो बाकी सब लोग गुस्सा हो गए, बहुत चिढ़ने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, है ना। ऐसा नहीं, उनके मन में चमत्कार हुआ कि ये कैसा भक्त आया है जिसने महाप्रभु को इतनी प्रसन्नता दी। ये भक्त समाज का गुण है, ये आध्यात्मिक समाज का गुण है, जहां हम दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में प्रसन्न होते हैं। यह भक्ति का मार्ग दूसरों को आगे बढ़ाने का मार्ग है। यदि हमारे अंदर यही चेतना है कि दूसरे को क्यों कृपा मिल रही है, तभी भी हम भौतिक जगत में ही। मैं कल चर्चा कर रहा था एक घर में कि कई बार हम लोग कॉरपोरेट की वीडियो देखते हैं, उनको एक्सरसाइज दी जाती है कि एक हाथ में आपको बलून पकड़ना है और एक हाथ में उनको पिन दी जाती है ना? और बोलते हैं कि अभी एक्सरसाइज गेम ये है कि आपको अपना बलून बचा के रखना है अगले 10 मिनट के लिए, लेकिन अगले 30-40 सेकंड में सबके बलून फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे हाथ में पिन दी है ना, उससे दूसरे का बलून फोड़ते हैं सब। एक्सरसाइज ये नहीं थी कि दूसरे का फोड़ना है, एक्सरसाइज थी खुद का बचाना है। लेकिन भौतिक मानसिकता है दूसरों को कैसे दबाया जाए, आध्यात्मिक मानसिकता है कैसे दूसरों को उठाया जाए।